नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बड़े धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा को याद किया गया, उनको नमन किया गया। इस वक्त राजधानी के नीलमथा मलाक ग्राम सभा में जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा आज विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया, जहाँ शिरकत की है सरोनगर के नेता राम प्रकाश यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आइए जानते हैं प्रधान जी से और आए हुए अतिथियों से कि आज विश्वकर्मा पूजा पर क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी से किस तरह से मना रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आपके यहाँ पर आए हैं विश्वकर्मा पूजा के बारे में और इस ग्राम सभा के हालात के बारे में? ये समाजवादी पार्टी जी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मना रही है। आज हमारे पार्टी कार्यालय पर भी भगवान विश्वकर्मा पूजा का समारोह रखा गया था और हम लोग क्षेत्र में लगातार सुबह से कई कार्यक्रम में गए और विश्वकर्मा पूजा समारोह में शामिल हुए। प्रधान जी के आशीर्वाद से आज इस मलाक गांव में भी आने का अवसर मिला और हम लोग विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मना रहे हैं। सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। राम प्रकाश जी, हम लोग भी आए हैं अभी इस ग्राम सभा में, बाहर की जो मेन सड़क है, जो डांबर रोड ग्राम सभा से संबंधित निर्माण के बाद काफ़ी ख़राब पड़ी है, कई विधायक रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास के नाम पर तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे से कितनी बारिश हुई और पूरा क्षेत्र जल में डूब गया। अभी मैं आया हूँ, पूरा रास्ता ख़राब है और पूरे गांव की हालत बहुत ही ख़राब है। सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार केवल झूठे वादे कर रही है, झूठे जुमले दे रही है कि ये करा देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। आप आश्वासन झूठे दे रही है और प्रधान जी के माध्यम से यहाँ पर कई महत्वपूर्ण काम कराए गए। प्रधान जी ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर काम कराए हैं, उनको वही काम दिख रहे हैं जो पिछले अपनी निधि से जो काम प्रधान जी ने कराया, वही काम सब दिख रहा है, नया कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए स्थिति आपके सामने है, क्या है? ठीक है, साफ तौर पर राजधानी लखनऊ के नीलमथा में हम हैं जहाँ विश्वकर्मा पूजा को बड़े धूमधाम से ग्राम सभा के लोग मना रहे हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान है, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा पूजा के सबको, पूरे जितने लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं जी। यहाँ हमारे क्षेत्र में जो भी काम हुआ है, विधायक द्वारा कुछ काम अभी तक 5 सालों में कुछ दिखाई नहीं। हमारे क्षेत्र में चारों तरफ सर्विस रोड है, गाँव पंचायत के बाहर बाहर चारों तरफ सर्विस रोड है। सर्विस रोड आज ऐसी स्थिति पर कि वहाँ पर गड्ढे इतने हैं कि लोग जाए वहाँ गिर जाए, ठीक है, गांव जानवर और गाड़ी सब फंस जाती है, यहाँ निकलने कोई साधन नहीं, अंदर रास्ता नाली इतना पानी जल भराओ, यहाँ पे जल मगन है क्षेत्र। कोई विधायक द्वारा कोई अभी सुनवाई नहीं है, कभी आई नहीं क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर, आप लोग सुनवाई आई है यहाँ पे आई है, पर आश्वासन के सिवाय और कोई काम यहाँ तक नहीं हुआ है सिवाय आश्वासन। आश्वासन दे करके नगर निगम से ही आश्वासन मिला, विधायक से मिला, सांसद जी से भी मिला, पर किसी ने अभी तक यहाँ पर क्षेत्र में हमारे काम नहीं किया। तो बजट भी दिया सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, बड़े बड़े बात की गई, आपकी ग्राम सभा है, प्रधान पुत्र हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे, आपके ग्राम को कितना विकसित किया गया, क्या कदम उठाया गया? हमारे क्षेत्र में लगभग तो प्रधानमंत्री आवासी जो मिले तो 2-4 मिल गए हैं और किसी को कुछ नहीं मिला यहाँ पे, ना विधायक द्वारा मिला है ना सांसद द्वारा मिला है। नाली खड़ंजे नाला वगैरह तक नहीं बनाया, हम लोगों ने खुद अपना बनाया है। जो हम लोग को निधि मिली थी, हमारे मम्मी जो है प्रधान है जी, वो उनके ही द्वारा जो निधि मिली थी, हम लोग 2-4 साल में 4 साल हम लोग को मिले काम करने, उसके सिवाय कोई बजट नहीं मिला है। अब पब्लिक यहाँ पे परेशान है, नगर निगम लागू कर दिया गया है, ना नगर निगम सुन रहा है ना ये तो पंचायत सुन रही है, ठीक है, और दोनों के पास जाते हैं दोनों कहता कि यहाँ ना नगर निगम है ना पंचायत। साफ तौर पर कई लोग हैं हमारे साथ, सर क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? सर, ये नीलमथा हरिहरपुर क्षेत्र जो है, सब जगह पूरे गड्ढे भरे पड़े हुए हैं, जिसके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत डेंगू और कितने मलेरिया और ये बीमारियां हो रही है, कहीं जल निकासी का कोई स्रोत नहीं है। और आगे तक जो है हमारे प्रधान जी के द्वारा जितने भी जगह हम जा रहे हैं आश्वासन ही बस मिला, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। क्या कहेंगे, सरकार ने तो कहा कि ग्राम सभाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, तो क्या स्मार्ट गांव आपका नहीं बन पाया, स्मार्ट विद्यालय नहीं आ पाया, क्या चीज़ें हैं? अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है सर। तो इस बार किस पर विश्वास करने वाले हैं आप लोग? अब देख रहे हैं जो काम है, अभी हम लोग लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी जो है बोल रहे हैं, तो इन लोगों को अभी इस बार जो है जिता करके भेजे हैं आगे। ठीक है सर, साफ तौर पर हमारे साथ लोग थे, ग्रामीण थे, ग्राम प्रधान पुत्र थे, जिन्होंने बताया कि नीलमथा के इस मलका गाँव के हालात कैसे, मलाक गाँव के हालात कैसे हैं। लगातार यहाँ सरोनी नगर जो विधानसभा लगती है,
वहाँ से मौजूदा जो विधायक हैं स्वाति सिंह हैं, उन्होंने बताया कि कई बार आई लेकिन आश्वासन दिया। अब देखने की बात होगी कि क्षेत्रीय जनता आखिर किसका साथ 22 के चुनाव में देगी। और आज विश्वकर्मा पूजा को समाजवादी नेता बड़े धूमधाम से मना रहे। सहयोगी गिरिजेश के साथ मैं विक्रम लखनऊ से।